इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज 29 दिसंबर 2019 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 10 में हम इंशाअल्लाह ताला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 21 से ऑनवर्ड स्टार्ट लेंगे। आज इंशाअल्लाह हमारा ये 2019 का आखिरी दर्स होगा। अगले संडे को 2020 स्टार्ट हो चुकी होगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मेरे भाइयों, इससे पहले जो 20 आयात गुजरी हैं उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत में जो 3 ग्रोह हैं, नंबर 1 अहले ईमान, नंबर 2 वो लोग जो जानबूझ के कुफ़र इख्तियार करते हैं, और नंबर 3 मुनाफिकीन, उनका ज़िक्र किया था। अब ये पूरी वो तमहीद के बाद इस रुकू के अंदर आयत नंबर 21 से ऑनवर्ड आयत नंबर 29 तक ये मुसलसल अब ये जो 9 आयात हैं ये कुरान हकीम की दावत है अपने मुखातिब को कि कुरान अपने मुखातिब से क्या चाहता है, अल्लाह ताला की क्या रिक्वायरमेंट है, ये किताब किस लिए नाजिल हुई है, अम्बिया के आने का मकसद क्या है, इस दुनिया की ज़िंदगी का आखिर अंजाम क्या होने वाला है। यानी पूरी की पूरी जो एक डॉक्ट्रिन है दीन की वो इस एक रुकू के अंदर 9 आयात के अंदर बड़ी ज़ोरदार तरीके से बुनियादी जो बातें जो इंसानों के इल्म में होती हैं उसकी बुनियाद के ऊपर बयान हुई हैं। इसीलिए आप देखें इसका खिताब, अगरचे ये सूरत तो मदनी है और मदनी सूरतों का उसलूब ज़्यादातर या अय्युहल्लज़ीना आमनू के साथ होता है, लेकिन चूँकि ये पूरी इंसानियत को दावत दी जा रही है इसलिए इन आयात का जो स्टार्ट है वो पूरी इंसानियत को मुखातिब करके है। या अय्युहन्नास, ए पूरी इंसानियत, ए लोगो, उबुदू रब्बकुम, इबादत करो उस रब की, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और जो तुमसे पहले लोग गुजर चुके या जो अगले लोग गुजर चुके उनको भी उसी ने पैदा किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम डर सको, परहेजगार बन सको। सारे अंबिया की दावत का मकसद, सारी इल्हामी किताबें नाजिल होने का एक ही मकसद है कि इबादत उस रब की करनी है। अल्लाह को मानना काफ़ी नहीं है बल्कि अल्लाह की भी माननी है। इसीलिए यहाँ ये बात नहीं आ रही कि उस अल्लाह को मानो, बल्कि कहा जा रहा है उस अल्लाह की इबादत भी करो। जिस तरह सूरह अन्नहल में आता है ना, आयत नंबर 36 में, वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला अन इअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, और बेशक हर उम्मत में हमने कोई ना कोई रसूल मबूस किया एक ही बुनियादी दावत के साथ कि इबादत करो अल्लाह की, और अल्लाह के जो मुखालफत पे खड़े हुए लोग हैं उनको तागूत कहा गया, चाहे वो जिन्नों में से हैं या इंसानों में से हैं, उनकी आपने मुखालफत करनी है। ये सारी इल्हामी किताबों की दावत का खुलासा, तमाम अंबिया की दावत की का खुलासा एक अल्लाह की इबादत है। इबादत कहते हैं टोटल ओबीडियंस को, यानी सिर्फ अल्लाह को मानना काफ़ी नहीं बल्कि अल्लाह का मुकम्मल ताबे फरमान बनना है। और इसी के पैरेलल में एक टर्म है जो वक्त के पैगंबर के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको हम कहते हैं इत्तबा। उल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, नबी तुम फरमा दो कि अगर तुम लोग ये दावा रखते हो कि अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी यानी वक्त के पैगंबर की इत्तबा करो, फिर अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। तो इत्तबा में भी सिर्फ पैगंबर को माना नहीं जाता बल्कि पैगंबर की पैरवी भी इख्तियार साथ की जाती है। तो इन दोनों चीज़ों को आप समझ लें, इबादत है अल्लाह की मोहब्बत के साथ, उसको मानने के साथ उसकी मानना, और इत्तबाए रसूल है रसूलुल्लाह की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओबीडियंस, पैरवी इख्तियार करना। सिर्फ इतात नहीं है बल्कि मोहब्बत के साथ इतात है। इतात प्लस मोहब्बत अल्लाह के केस में हो तो इबादत है, और इतात प्लस मोहब्बत रसूलुल्लाह के केस में हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये इत्तबाए रसूल है। तो ऐ लोगों, इबादत करो उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले जितने लोग हो गुजरे हैं उनको भी उसी ने पैदा किया, ताकि तुम डर सको, परहेजगारी की रविश इख्तियार कर सको, यानी अल्लाह के हुजूर तुम्हें पेश होना है। ये वो बुनियादी बात है जो किसी भी इंसान को दावत देने के लिए पहली चीज़ ही यही होनी चाहिए तौहीद के एतबार से, कि उस अल्लाह को मानो और उस अल्लाह की मानो जिसने तुम्हें पैदा किया। सूरह तूर में भी आता है ना कि क्या ये लोग बग़ैर किसी के बनाए पैदा हो गए हैं या इन्होंने अपने आप को खुद पैदा किया है। हाय हाय हाय, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है ना, या इंसान अपना क्रिएटर खुद हो या उसको किसी ने पैदा ना किया हो। तो ये तो केस कोई नहीं है कि किसी ने पैदा नहीं किया। उसकी वजह यह है कि पैदा होना हमारी निगाहों के सामने है, हमारे माँ बाप ने हमें पैदा होते हुए देखा है और हमारे माँ बाप को उनके माँ बाप ने पैदा होते हुए देखा है, तो क्रिएशन तो हुई हुई है। तो क्या हमारी पैदाइश जो है वो हमारे माँ बाप ज़रिया ज़रूर बने हैं लेकिन उनको तो नहीं पता कैसे पैदाइश हुई है। वो अल्लाह ही है जो परफेक्शन के साथ मखलूक़ात को बनाता है, उनको तो बिल्कुल पता नहीं होता। मखलूक जो पैदा हो चुकी है उसे खुद अपने बारे में नहीं पता कि उसके अंदर क्या कुछ चल रहा है, सोच भी नहीं सकता। आज अगर साइंस हमें ये बातें ट्रुथ रिवील ना करती, इस कायनात के बड़े बड़े हकायक, तो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि कितनी ये कम्प्लेक्स क्रिएशन है। कोई भी जिंदा चीज़ है, इस पे तो घंटों बोला जा सकता है। इंसान के जिस्म में जो एक खुलिया है ना, इस खुलिये को बनाने के लिए न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए, जितने सिस्टम उसमें अल्लाह ने रख दिए हैं। और इंसान के जिस्म में ये एक खुलिया नहीं है, 100 भी नहीं है, 1000 भी नहीं है, लाख भी नहीं है, करोड़ भी नहीं है, अरब भी नहीं है, 100 ट्रिलियन सेल्स हर इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद है। 100 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन 1000 अरब के बराबर होता है। 100,000 अरब खुलिये हर इंसान के जिस्म में है, और इन सारे खुलियों तक ऑक्सीजन भी पहुंचती है और ये जिंदा है। इनकी डिवीजन डिस्टर्ब हो जाए तो कैंसर है। ये खुलिये मर जाएं और नए इसकी जगह पैदा ना हो तब भी वो डेड हो जाएगा, बॉडी का वो हिस्सा। और साइंटिस्ट कहते हैं कि इतना बड़ा फिगर है कि अगर इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हों और 30 के 30 मुल्क सिर्फ दरख्तों से पुर हों और कोई चीज़ वहाँ ना उगी हुई हो, तो उन दरख्तों के जितने पत्ते होंगे ना, ये 100 ट्रिलियन है। 100,000 अरब, 1 अरब नहीं मान, 1 अरब गिनने के लिए आपको 25 से 30 साल चाहिए। 24 घंटे भी अगर आप गिनती गिनते रहें, कोई शख्स बहुत भी तेज गिन लेगा, 24 घंटे में तो 86,400 सेकेंड है, तो 1 लाख दफा भी मुश्किल से गिन पाएगा वो। तो 1 अरब, और किधर फिर 1000 अरब, फिर 100,000 अरब, अनइमेजिनेबल है, कैलकुलेटर फेल हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो खुलिए हैं इनको क्रिएट किया है क्रिएटर ने, फिर खाली इस तरह क्रिएट नहीं किया, मैनेजेबल फॉर्म में है। ये खुलियों ने क्या खुद डिसाइड किया था कि इन खुलियों ने मिलके आँख बनना है, इन खुलियों ने मिलके दिल बनना है? ऑर्गेनाइज हुए ना, और फिर सारे खुलिए ऑर्गेनाइज होके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। दिल का फंक्शन गुर्दे नहीं परफॉर्म कर सकते, गुर्दों का फंक्शन आँखें नहीं परफॉर्म कर सकती, आंखों का फंक्शन जो है वो हाथ नहीं परफॉर्म कर सकते। इंसान को तो पता ही नहीं उसके अंदर क्या कुछ है। तो ये बुनियादी बात है कि उस अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, और जितने अगले भी गुजरे हैं उनको भी उसी ने पैदा किया है। उससे डर जाओ, उस अल्लाह से डर जाओ जिसने तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर पैदा किया है। जो तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर पैदा करने पर कादिर है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी करने पर कादिर है, और अगर वो तुम्हारे लिए कुछ डिसीजन कर लेगा फिर कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। ये है असल में इसका फार्म। डर जाओ, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम डर सको। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, वही अल्लाह है जिसने इस ज़मीन को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया है। वस्समाअ बिनाआ, और आसमान को छत बनाया है। इस हिस्से के ऊपर भी घंटों बोला जा सकता है कि ये ज़मीन जो बिछौना बनाई है, सिर्फ उसकी एक फिज़िकल प्रॉपर्टी को डिस्कस किया जा रहा है कि ज़मीन को रहने के काबिल बनाया है। ज़मीन में हर सेकंड में 2 ज़लज़ले आते हैं, हर सेकंड में, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत कम होता है। अगर वो बढ़ जाए तो ज़मीन तबाह बर्बाद हो जाए। इतने ज़लज़लों वाली ज़मीन को रहने के काबिल बनाया है, उसे कंट्रोल किया, और इस एतबार से भी रहने के काबिल बनाया है कि वहाँ पर हर मखलूक के लिए उसकी ज़िंदगी का सामान रख दिया, और जो सबसे ज़रूरी सामान था ज़िंदगी के लिए वो बिल्कुल फ्री रखा हुआ है। कौन सी चीज़? ऑक्सीजन। पानी तो फिर भी बंदा कुछ घंटे कुछ दिन भी निकाल सकता है, ऑक्सीजन 1.5-2 मिनट से ज़्यादा कोई नहीं निकाल सकता, बिल्कुल फ्री रखा है। और उस ऑक्सीजन की जो मिकदार है उसे कंट्रोल किया हुआ है फ़िज़ा के अंदर। हाइड्रोजन से या नाइट्रोजन से वो बढ़ जाए तब भी हमारी एग्जिस्टेंस नहीं है, कम हो जाए तब भी एग्जिस्टेंस नहीं है। और ये तो सिर्फ एक फाइन ट्यूनिंग है, इस तरह की मिलियंस ऑफ फाइन ट्यूनिंग्स रूए अर्ज पे हैं। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि ये मिरेकल प्लैनेट बनाया गया है इस काबिल के यहाँ पे जिंदगी रहे। तो किसी के बनाने से बना है, अगर वो कहता है खुद ब खुद बन गया है तो फिर इसको कोई कॉपी करके बना के बता दे। जो चीज़ कॉपी भी ना हो सकती हो उसके बारे में कहना कि वो खुद ब खुद हो गई है, तो इससे बड़ी तो बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट ही नहीं हो सकती। जो काम करने से ना हो सके वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है? खुद ब खुद तो वो काम हो सकता है ना कि जो यानी करने से हो भी जाए। ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक़ात मिल के एक बीज नहीं बना सकती कि जिसे हम मट्टी में बोएं और वो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाए। लोग तो कहते हैं जी मट्टी की तो कोई कीमत ही नहीं है। मैं कहता हूँ सोने की कोई कीमत नहीं है। सोने में बीज डाला जाए तो वो दरख्त नहीं बन सकता। अगर मट्टी दुनिया पे ना हो तो सोने को चाटना किसी ने, और सोना ना हो तो फिर भी दुनिया चलती रहेगी। ये मट्टी जो अल्लाह ने रखी है देखने को हकीर चीज़ है, लेकिन उसमें हम बीज बोते हैं और सर वो बीज जब निकलता है और दरख्त बनता है, उस दरख्त का साइज़, उसके फूलों के लगने की टाइमिंग, उसका फल में कन्वर्ट होना, फलों के पकने की टाइमिंग, पत्तों की शेप्स, उनके साइज़, फिर एक एक पत्ते तक पानी का पहुंचना ज़मीन से, ये तो इंसान परेशान हो जाता है। एक दरख्त तो बहुत बड़ी बात है, एक बीज नहीं कोई बना सकता और कोई ये कहे कि खुद ब खुद बन गया, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी किसी की क्या हो सकती है। दुनिया का कोई बेवकूफ़ इंसान भी एक बाल पॉइंट के लिए मानने के लिए तैयार नहीं खुद ब खुद बन जाए, क्योंकि ये एक मैनेजेबल चीज़ है, अलटप नहीं है, एट रैंडम नहीं है। तो ज़मीन को उसने तुम्हारे लिए बिछौना बनाया है, वस्समा बिना, और आसमान को छत बनाया है। अब ये मुतशाबिहात में से है, यानी आसमान के बारे में जो अब हमें इस मॉडर्न साइंस की वजह से ट्रूथ रिवील हो रहे हैं वो तो बड़े हैरान कुन है। यानी आसमान की जो लेयर्स हैं, आसमान तक पहुंचने के लिए जो अल्लाह ताला ने लेयर्स रखी हुई हैं, इनके लिए भी आसमान का लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर ट्रोपोस्फीयर है, फिर ओजोन की लेयर है। यानी सूरज से मिलियंस ऑफ एम्पलीट्यूड की मुख्तलिफ रेस दुनिया में आती हैं, लेकिन ज़मीन की जो हमारे रहने की सतह है उस तक उसमें से चंद एक पहुंचती है। 99.99% ये आसमान की जो लेयर्स हैं इसकी वजह से रिपेल हो जाती है, कुछ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रिपेल हो जाती है, वरना वो हार्मफुल रेज नीचे आ जाएं तो बीमारियां, ये जो कहते हैं ओजोन लेयर के ऊपर एक शगाफ है उसकी वजह से स्किन कैंसर का ख़दशा है उन इलाकों में जहाँ पर वो डायरेक्ट रेज आती हैं। तो ये आसमान को एक बड़ी मजबूत छत बनाया है अल्लाह ताला ने। आसमान हिफाजत का ज़रिया है, ये अल्लाह की कुदरतें हैं जी। इस पर कितनी देर बोला जाए, मेरे इस पर कई एक लेक्चर्स हैं वो आप देख लें, वरना तो टॉपिक बदल जाएगा। वअनज़ला मिनस्समाइ माअ, और आसमान से उसने पानी को नाजिल किया। फ़अख़रज बिही मिनस्समरात, फिर इसके ज़रिए फल उगाए तुम्हारे लिए, रिज़्क़ल लकुम, तुम्हारे रिज्क के तौर पे। अच्छा, ये सारी बातें बुनियादी हैं, कोई दुनिया का इंसान नहीं है जो कि ये चीज़ें मेरी ऑब्जर्वेशन में नहीं है। कुरान चूंकि पूरी इंसानियत के लिए है, लिहाजा उसमें बिल्कुल डेटम लेवल की बुनियादी बातें डिस्कस होंगी जो हर बंदे के एक्सपीरियंस में, नॉलेज में हो। ये जितनी बातें आ रही हैं कि तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया, तुमसे अगलों को पैदा किया, सबके एक्सपीरियंस में। अल्लाह ताला ने ज़मीन को रहने के काबिल बनाया है, आसमान किसी इंसान ने बनाई है, इंसान तो हमेशा से ऑब्जर्व भी कर रहा है इसे, इंसान तो सिर्फ डिस्कवरी करता है, और इन्वेंट भी जो करता है वो भी क्रिएशन एक्स नहीलो नहीं करता, अदम महज से वजूद नहीं देता, बल्कि अल्लाह की तख्लीकात को यूज़ करके करता है। अगर वो ये टेबल लकड़ी का बना रहा है तो लकड़ी उसने नहीं बनाई है, लकड़ी नेचर से ही आई हुई है। क्रिएशन एक्स नहीलो नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला बदीउस समावाति वल अर्द है, ज़मीन और आसमान को बगैर नमूने के, कोई चीज़ नहीं थी तो पैदा की है। इंसान जो खालिक है वो अल्लाह की तख्लीक में से खल्क करता है, लेकिन इंसान बदी नहीं है, अलबदी नहीं उसे कह सकते आप, बगैर नमूने के चीज़ों को पैदा करने वाला। तो आसमान के ज़रिए पानी हम देखते हैं, उसके ज़रिए ज़मीन से रिज्क निकालता है तुम्हारे लिए। इसमें क्या क़यामत मुज़मिर है। रिज्क निकालना भी काफ़ी नहीं था अगर उस रिज्क की कंपैटिबिलिटी हमारे साथ ना होती। आप शेर के सामने ताज़ा तरकारी ला के डाल दें, बेहतरीन से बेहतरीन सब्ज़ी भी, वो देखना भी गवारा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जबिलत नहीं है, उसके लिए वो रिस्क नहीं है। और बकरी के सामने फ्रेश कीमा ला के डाल दें आप, उसके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो सिर्फ रिस्क, तुम्हारे लिए रिस्क, यानी रिस्क भी पैदा किया और उस रिस्क को कंपैटिबल भी बनाया। और ये रिस्क में तो मैं सिर्फ खाना पीने डिस्कस कर रहा हूँ, वरना तो हर नेमत ही रिस्क है। सबसे अहम तरीन रिस्क ऑक्सीजन है जो हम इनहेल करते हैं, जिसके बगैर हम 1.5-2 मिनट से ज़्यादा ज़िंदा ही नहीं रह सकते। वो सब के लिए फ्री रखती है अल्लाह ने, कोई इसके ऊपर टैक्स नहीं है, कोई आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा, ये आपके लिए फ्री है। तो जिस अल्लाह ने ये सारी नेमतें दी हैं, उसने ज़मीन को रहने के काबिल बनाया, आसमान को तुम्हारे लिए मजबूत छत बनाया तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए, आसमान से पानी नाजिल फरमा के ज़मीन में से नबातात उगाए, इसके ज़रिए तुम्हारा ये फूड साइकिल चलता है सारे का सारा। सब कुछ ज़मीन से ही आ रहा है, चाहे वो जानवरों की खुराक हो, चाहे पौधों की खुराक हो, चाहे हमारी खुराक हो। ज़मीन मर जाए तो सारी मखलूक़ात मर जाए। तो अल्लाह फरमाता है जिसने ये सब कुछ किया है, फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, फिर अल्लाह के साथ कोई मद्दे मुकाबल ना ठहराओ और तुम जानते तो हो, तुम जानते तो हो कि ये क्वालिटीज़ किसी और की है ही नहीं है। ये तौहीद तो तुम्हारे अंदर मौजूद है कि अल्लाह के मद्दे मुकाबल कोई नहीं ठहराया जा सकता। मुझे बताएं, कुरान इस स्टार्ट में जो तौहीद बयान हुई है, इस तौहीद को पढ़ लेने के बाद कोई किसी बाबे को पुकारेगा, किसी मरे हुए शख्स को पुकारेगा, किसी जिंदा शख्स से वो चीज़ें डिमांड करेगा जिसका वो अहल ही नहीं है? इम्पॉसिबल है। कितनी बुनियादी बात है। बस ये सारी नेमतों के एवज में तुमसे एक बात मांग रहा हूं, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, बस मत बनाओ अल्लाह के साथ किसी और को मद्दे मुकाबल निद के तौर पे, व अंतुम तालमून, और तुम जानते तो हो कि कोई है ही नहीं ऐसा कि जिसे बनाया जाए मद्दे मुकाबल। कौन हो सकता है? यही निद का लफ्ज़ है जो हदीस के अंदर आया है, जो अल अदबुल मुफ़रिद में सही सनद के साथ है और मुस्नद इमाम अहमद में भी है। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने कह दिया, या रसूल अल्लाह माशा अल्लाह व शिता, जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें। आप फरमाया, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, ये वही अल्फाज है, क्या तूने मुझे अल्लाह के मद्दे मुकाबिल खड़ा कर दिया? कुल बल माशा अल्लाह वहदा, बल्कि क्या, जो अकेला अल्लाह चाहे। अच्छा, उसने आगे से नहीं आर्गूमेंट किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपको अल्लाह का बंदा ही मान रहा हूँ, अल्लाह का रसूल ही मान रहा हूँ, मैंने आपको कोई अल्लाह मान के नहीं कहा, मैंने आपको कोई मुस्तकिल बिज़ात नहीं माना, मैंने आपको जो है वो अताई मान के ही बात की है, ज़ाती मान के बात की। ये सारियाँ कहानियाँ जी मौलवियों ने पढ़ाइया ने उस जमाने नहीं सुनानियाँ। तो यही निद का लफ्ज़ वहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह के साथ निद ना ठहराओ। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दीना, और अगर तुम्हें ये शक हो, कोई शक हो उस चीज़ के बारे में जो हमने अपने बंदे पर नाजिल की है, यानी कुरान। ये कुरान जो अल्लाह की किताब है, जो नबी अलैहिस्सलाम का वाहिद मौजज़ा है, जिसकी बुनियाद पर दावे नबूवत है, इस के बारे में अगर तुम्हें कोई शक हो कि ये किताब इन्होंने खुद घड़ ली है या ये किताब अल्लाह की तरफ से नहीं है, कोई इंसानी कोशिश है, फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तो तुम भी कोई इससे मिलती जुलती एक सूरत ही बना के ले आओ। वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, और बुला लो मदद के लिए अपने जितने हमायती हैं अल्लाह के सिवा। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह के सिवा जितनों को बुलाना है तुम बुला लो, जिन्नों, बल्कि सूरह बनी इसराइल में तो आता है कि सारे जिन्नों इंस भी मिलके अगर इस तरह की कोई किताब बनाना चाहें तो किताब नहीं बना सकेंगे। अच्छा, ये कुरान हकीम में मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ यानी चैलेंजेस आए हैं। सूरह हूद के अंदर भी, सूरह यूनुस में भी। सूरह हूद के अंदर तो 10 सूरतों का जिक्र है कि 10 सूरतें बना के ले आओ अगर बना सकते हो। सूरह यूनुस में आया कि एक सूरत इससे मिलती जुलती को बना के ले आओ, एक सूरत बना के ले आओ। यहाँ पे तो आखिरी चैलेंज है कि कोई मिलती जुलती, चलो अगर मुकम्मल नहीं तो कोई करीब करीब ही कोई सूरत बना के ले आओ। तो ये कोई मुश्किल काम तो नहीं था। कुरान हकीम की तो एक बड़ी छोटी सी सूरत है, सूरतुल कौसर, इन्ना अअतयनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। इसकी भी कोई कॉपी निकाली जा सकती थी ऐसे लोगों की तरफ से जो यानी इतने फसीहुल लिसान थे कि वो दूसरों को अजमी कहा करते थे, उनको अपनी ज़ुबान के ऊपर इतना नाज था, फिल बदी वो आम जो गुफ्तगू है उसको भी शायरी के अंदाज में बयान कर दिया करते थे। लेकिन ये तारीख में नहीं मिलता कि किसी ने ये चैलेंज इस तरीके से कबूल किया हो। इतनी शर्मोया उनके अंदर भी मौजूद थी। वैसे आजकल कुछ लोगों ने तबासमाई करने की कोशिश की है, वो सूरतें बना के उसको मिलते जुलते अल्फाज के साथ फिर कुरान के स्टाइल में उसे तिलावत करके यूट्यूब पे अपलोड भी किया हुआ है। इस पर मेरा एक क्लिप भी आया था, आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, अपलोडेड है। कुरान से मिलती जुलती जो सूरतें हैं इसके हवाले से तो मैंने बताया था इस तरीके से नहीं है। ये जो इसकी जजमेंट जो है वो अरबी लिंग्विस्टिक के लोग करेंगे। सिर्फ उससे मिलते जुलते अल्फाज के साथ कोई अरबी का कोई लिटरेचर सामने ले आना या ख़ुद लिख लेना या कोई शायरी कर लेना, ज़ाहिर हम अजमी तो जज नहीं कर सकते। हाँ, अजमियों के लिए टेस्ट ये है कि आज के दौर का हमारे पास जो सबसे बड़ा टच स्टोन है वो साइंटिफिक फील्ड का इल्म है। उसके एतबार से कोई भी कुरान हकीम की एक आयत भी ऐसी नहीं है जो इस्टेब्लिश साइंस के ख़िलाफ़ हो। उस टेस्ट से आप इसे गुजार के देख लें, लेकिन वो इस्टेब्लिश साइंस होनी चाहिए, हाइपोथेसिस या थ्योरीज नहीं होनी चाहिए। तो उस पर भी ये परफेक्टली फुलफिल होगी। डॉक्टर मॉरिस बुकाइल एक फ्रेंच सर्जन थे, उन्होंने एक इसके ऊपर किताब भी बाकायदा लिखी है, मुसलमान हो गए थे, बाइबल कुरान एंड साइंस के उन्वान से। उर्दू में तर्जमा भी हुआ है, लेकिन वो बड़ी मुश्किल सी उर्दू है उसकी। इंग्लिश में भी तर्जमा हुआ है उसका। बाल वो इसी रिजल्ट पे पहुँचे हैं कि सारी इल्हामी किताबों में कुरान ही ऐसी एक वाहिद इल्हामी किताब है जिसमें कोई साइंटिफिक फॉल्ट मौजूद नहीं है। बाकी किताबों में ऐसी चीज़ें मिलती हैं और ज़ाहिर है वो इसलिए हैं कि वो टेम्पर हुई हुई हैं, यानी उनके अंदर तब्दीली हो चुकी है, उसमें अल्लाह ताला की तरफ उसे मंसूब नहीं किया जा सकता। ये किताब महफूज होने की एक बहुत बड़ी दलील ये भी है कि इसमें आपको कोई साइंटिफिक एरर जो इस्टेब्लिश साइंस वाली चीज़ें हों, हाइपोथेसिस ना हो, वो नहीं मिलेगा। तो अगर तुम सच्चे हो तो इस तरह की कोई सूरत ही बना। ये उस ज़माने के लिए तो था वो वाला चैलेंज, आज तक भी ये सिर्फ अरब के लोगों के एतबार से है, बाकी अजमियों के लिए तो फिर बाकी एतबार से भी कुरान मौजज़ा ही है। फ़इल्लम तफ़अलू, और पस अगर तुम ऐसा ना कर सको, वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकोगे। अल्लाह ताला ने इस पर अपना ओपिनियन भी दे दिया है कि यकीनन तुम कर भी नहीं पाओगे। फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन आदमी और पत्थर बनने वाले हैं। उइद्दत लिल काफिरीन, जो अल्लाह ने तैयार करके रखी है इनकार करने वालों के लिए। अच्छा, ये काफिरून का तर्जुमा या मुस्लिमून का तर्जुमा जो है ना, वो हम उमूमन तो कर रहे होते हैं मुसलमान और काफिर। असल जो तर्जुमा है ना मुमिनून का या मुस्लिमून का, सर तस्लीम खम करने वाले, बात मानने वाले, और काफिर वो हैं जो बात नहीं मानने वाले। कोई मुसलमान भी काफिर हो सकता है और कोई काफिर भी मुसलमान हो सकता है कि कोई सही बात मान ले। वो एक तो वो टर्म वाला ईमान है ना जो हम एज ए इस्तलाह इस्तेमाल करते हैं, जो कलमा पढ़ ले और वो 5 बुनियादी चीज़ों पर चले। लफ्ज़ी तर्जुमा यह है कि ना मानने वालों के लिए, इनकार करने वालों के लिए, कुफर कहते हैं इनकार करने को, ना शुक्री करने को, अल्लाह ताला ने आग तैयार कर रखी है जिसका ईंधन आदमी, इंसान और पत्थर है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम इवन नमाज में भी जब कभी आयात आती थी जहन्नम से रिलेटेड तो आप अलैहिस्सलाम अल्लाह से जहन्नम के अगेंस्ट अल्लाह ताला की पनाह तलब किया करते थे, और जब जन्नत की आयत आती थी तो अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल किया करते थे। ये सुन्नत है। अच्छा, ये जो आया कि पत्थर भी ईंधन बनेंगे, तो ये पत्थर को कोई अजाब नहीं हो रहा होगा बल्कि उनकी हजरत में इजाफे के लिए होगा। इसका डिटेल जिक्र सूरतुल अंबिया में आएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम काफिरों को भी और जिन माबूदों को ये पूज रहे हैं उनको भी दोज़ख में डालेंगे। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर ये इनके माबूद होते तो दोज़ख में इनके साथ तो ना होते। फिर काफिरों ने उसका भी ठट्ठा किया, उन्होंने कहा अच्छा इसका तो मतलब है फिर ईसा इब्ने मरियम को भी दोज़ख में डाला जाएगा क्योंकि ईसा इब्ने मरियम की भी लोगों ने पूजा की है। फिर अल्लाह ताला ने उसका भी जवाब दिया, रिप्लाई टू के बगैर काम चलता नहीं है ना, वसवसे इतने हैं, रिप्लाई टू के क्लिप तो बनेंगे। वो फिर सूरह अज़-ज़ुखरुफ़ में आया, अल्लाह ताला ये ईसा की मिसाल जो तुमसे बयान की है ना इन्होंने, तो ये सिर्फ जो है ना वो हुज्जतबाजी के लिए, पता इनको भी है कि भी ईसा इब्ने मरियम क्यों दोज़ख में जाएंगे, वो तो ख़ुद इमामुल मुवहिदीन थे अपने वक्त में, तौहीद के दाई थे। कसूर तो उन लोगों का है जिन्होंने ईसा इब्ने मरियम के बारे में डिविनिटी क्लेम की है, ना कि ईसा इब्ने मरियम। फिर उन्होंने कहा वो तो हमारे बंदे ख़ास हैं और वो तो क़यामत की निशानी में से हैं। तो ये जो बुत, वो पत्थर जिनके बुत तराशे गए उनको अल्लाह ताला दोज़ख में इसलिए डालेगा ताकि काफिरों की हसरत में इजाफा हो कि यार इनको हम पूछते रहे, ये भी हमारे साथ हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो उन पत्थरों को अजाब हो रहा होगा, बल्कि वो पत्थर तो उल्टा उनके लिए खुद अजाब बन जाएंगे, क्योंकि जब पत्थर गर्म होंगे तो वो तो गर्माइश ज़्यादा फील होगी। पत्थर भी लोग गर्म करके उनसे भी हीट हासिल करते हैं ना, वो तो उनके लिए होगा। अब दोज़ख के ऊपर 19 फरिश्ते हैं तो फरिश्तों को अजाब तो नहीं हो रहा होगा, वो तो मामूर हैं दोज़खियों को मारने पीटने के लिए। अल्लाह ताला तो इस बात पे कादिर है कि एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मुख्तलिफ लोगों के ऊपर मुख्तलिफ हालत तारी कर दे। ये तो हमने दुनिया में एक्सपीरियंस किया है। आप में से अगर किसी को मलेरिया हुआ हो सख्त गर्मियों में तो उसे तो 2 रज़ाइयाँ भी उड़ा दी जाएं तो उसकी ठंड नहीं ख़त्म होती, बाकी तो गर्मी से उफ उफ कर रहे होते हैं और उसको ठंड इतनी लगी होती है कि वो कहता है मेरे ऊपर और उड़ाओ। एक ही जगह पे टेम्परेचर बेशक 40 तक पहुंच चुका हुआ है, उसको ठंड लग रही है, हालांकि एक्चुअल वहाँ पे गर्मी है। तो ये अल्लाह ताला एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दुनिया में ऐसी चीज़ें करके बताता है कि 2 मुख्तलिफ बंदों पे एक ही जगह पे 2 मुख्तलिफ हालतें तारी हो जाती हैं। अल्लाह ही अल्लाह जी, यकीन करें कि ये जो चीज़ों की क्वालिटीज़ हैं ये भी अल्लाह की वजह से है। अगर अल्लाह ताला का अमर इसके पीछे से हट जाए, आप 7 समुंदरों का पानी भी पी जाएं आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। और अगर आग के जलाने की खासियत अल्लाह ताला छीन ले, आप पूरी ज़मीन के दरख्त भी जला लेना, आप एक रोटी भी नहीं पका सकते, क्योंकि वो खासियत ही जब अल्लाह ताला ले लेगा। तो ये दोज़ख में उन काफिरों के साथ पत्थरों को इसलिए जलाया जाएगा ताकि उनकी हसरत में इजाफा हो, ना कि उन पत्थरों को अजाब दिया जा रहा होगा। अब साइमल्टेनियस कंट्रास्ट भी आ रहा है जी, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात। और ए नबी अलैहिस्सलाम आप खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को कि जो बात मान लेते हैं, यानी ईमान ले आते हैं और नेक आमाल इख्तियार कर लेते हैं। अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, के उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। कुल्लमा रुज़िक़ू, जब कभी भी उन्हें रिस्क दिया जाएगा उस जन्नत में, मिनहा उन बागों में से, मिन समरतिर रिज़्क़ा, कोई फल रिज़्क़ की शक्ल में उनको जब पेश किया जाएगा, अहले जन्नत को जन्नत में जब कोई फ्रूट दिया जाएगा, क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें इससे पहले दुनिया में भी दिया जाता था। व उतू बिही मुतशाबिहा, हालांकि वो उनको उससे मिलता जुलता फ्रूट दिया जा रहा होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, मिलता जुलता इसलिए दिया जाएगा कि इंसान की एक नेचर है। दुनिया में भी आप देख लें, आप किसी दस्तरखान पे बैठे हों तो सबसे पहले उस चीज़ को हाथ डालते हैं जिसके साथ आप मानूस हों। आप किसी वलीमे पे भी जाते हैं तो आपके सामने कोई ऐसी अजीबोगरीब डिश आ जाए तो आप उसके रिस्क नहीं लेते खाने का कि पता नहीं क्या जायका हो, उल्टा प्लेट भर के बैठ जाऊँ और इस दौरान जो मैंने खाना था वो ख़त्म ही हो जाए, ये भी चांस होता है ना। तो इंसान मानूस उस चीज़ के साथ होता है जो पहले उसने उसको एक्सपीरियंस किया हो। ये अल्लाह ताला ने इंसान की नेचर रखी है। तो जन्नत में भी इब्तदाई मेहमान नवाजी के तौर पे जन्नतियों को वो रिस्क दिया जाएगा जो दुनिया में वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आम, केला, अनार, सेब, जो हमारे एक्सपीरियंस में। अब देखने में तो वो फ्रूट देखने में तो वैसे ही होगा, तो वो खाने से पहले ही बात करेंगे कि तो ये वही चीज़ है, ऐसे भी आके वही कुछ, लेकिन अल्लाह फरमाएगा कि उनके उसकी तरह का होगा लेकिन वैसा नहीं होगा। अब अनवर अटोर का जायका और एक देसी आम का जायका बराबर हो सकता है? देखने में तो दोनों एक जितने होते हैं, शक्ल और सूरत भी मिलती जुलती होती है, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है टेस्ट में। इसी तरीके से चौंसे का टेस्ट हो या किसी दूसरे आम का, वो बराबर नहीं हो सकता। तो ये तो दुनिया में अल्लाह ने इतना फ़र्क रखा हुआ है, तो आखिरत में जो आम दिया जाएगा वो दुनिया वाला आम नहीं होगा। हाँ, शक्लो सूरत में ज़रूर मिलता जुलता होगा, लेकिन उस आम की तो क्या बात है। अल्लाह ताला जन्नत में हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए, आमीन। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा, और वहाँ पे होंगी उनके लिए पाकीज़ा बीवियाँ। पाकीज़ा बीवियाँ दुनिया की बीवियाँ भी और जन्नती हूरें भी, वो आगे चल के ज़िक्र आ जाएगा इस हवाले से। अच्छा, जन्नत में जितनी भी नेमतें हैं ना, उनमें जो यानी डोमिनेट नेमतें हैं, उनका कुछ ना कुछ हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में इस हवाले से रखा है कि इंसान उस नेमत को एक्सपीरियंस कर सके, लेकिन उस ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन किसी दर्जे में एक्सपीरियंस करवाया गया, और एक्सपीरियंस करवाया गया है तो तभी उन चीज़ों में अट्रैक्शन है। अगर अट्रैक्शन नहीं होगी तो उसके लिए तगोदो कौन करेगा। अच्छा, इससे ये भी बात पता चली कि जन्नत का लालच भी अल्लाह ताला खुद दे रहा है। लिहाजा ये जो डॉक्ट्रिन मशहूर की गई है कि हमें दोज़ख के डर की वजह से या जन्नत की लालच में इबादत नहीं करनी चाहिए, अल्लाह के लिए करनी चाहिए, तो ये बिल्कुल जाली डॉक्ट्रिन है। इसको मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ लोगों ने मंसूब कर दिया है कि वो कहते थे मैं तो अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करता हूँ, जन्नत की जो है वो तलब में या दोज़ख के डर की वजह से नहीं करता। इसके ऊपर भी मेरा एक क्लिप रिकॉर्डेड मौजूद है कि ये डॉक्ट्रिन सूफिया ने पेश की है, ये कुरान की डॉक्ट्रिन नहीं है। क्योंकि जन्नत का जो लालच है, इसके पीछे लगना अल्लाह ही की तो इताअत है। ये जन्नत का लालच शैतान ने दिया है या अल्लाह ने? तो अगर आप जन्नत को नेगेट करते हैं, जन्नत का मजाक उड़ाते हैं या दोज़ख को हल्का जानते हैं, तो आप ये जन्नत या दोज़ख को बेइज्जत नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप अल्लाह ताला के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर रहे होंगे। ये तो उसने रखी हुई है ना चीज़ें, इन सारी लालचें वही देता है ना। ये वो लालच नहीं है जो बुरी भला हो, ये वो लालच है जिसके लिए इंसान को कोशिश करनी चाहिए। कुरान पाक में दर्जनों आयात हैं, आगे चलेंगे तो यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि कोशिश करने वालों को ऐसी जन्नत के लिए कोशिश करनी चाहिए। खुद अल्लाह ताला इसकी तरफ। तो इसी तरीके से यानी जो एक अल्लाह ताला ने सेक्स का जज्बा रखा है इंसान के अंदर, उसका एक्सपीरियंस दुनिया में किसी फॉर्म में करवाया, तभी जन्नत की हूरों का लालच दिया जा सकता है। और इसी तरीके से जो फ्रूट है उसका जायका दुनिया में रखा है, जब भी जन्नत के फ्रूट का आपको लालच दिया जा सकता है। बाकी तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला ने जन्नत में वो नेमतें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना कभी किसी के दिल पे भी उसका गुमान गुजरा। वो तो अनइमेजिनेबल है। ये सिर्फ मुतशाबिहात हैं, चीज़ें मिलती जुलती चीज़ें दुनिया में, सिर्फ बात समझाने के लिए। और दुनिया की नेमतें तो फना होने वाली हैं, लेकिन इन नेमतों के साथ आ रहा है वहुम फीहा खालिदून, वो रहेंगे हमेशा हमेश उसके अंदर, ना ख़त्म होने वाली नेमतें। अच्छा, दुनिया में कोई बड़े से बड़ी भी नेमत है ना, वो अच्छी इंसान को लगती है, लेकिन जैसे ही उसके छूट जाने का ख्याल आता है तो दिल के ऊपर गम का गलबा हो जाता है। और जन्नत में गम नहीं है, इसलिए जन्नत में हमेशा की नेमतें। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि मैदान महशर में ला के मेंढे की शक्ल में मौत को कत्ल किया जाएगा, और जब बुलाया जाएगा तो बाकायदा एक यानी निदा की जाएगी। जहन्नमी जो है जहन्नम के किनारे पे आ जाएंगे इस खुशी की वजह से कि शायद हमारे निकलने के लिए कोई अब सबब होने लगा है। और जन्नती जन्नत के किनारे पे आएंगे इस डर के साथ कि हमें कहीं जन्नत से ना निकाल दिया जाए। तो फिर अल्लाह ताला मौत को मेंढे की शक्ल में ला के वहाँ पे ज़बह करेगा और फिर कहा जाएगा कि जन्नतियों के लिए खुशखबरी है कि उन्हें कभी मौत नहीं आएगी, और दूसरी तरफ जहन्नमियों के लिए हमेशा का गम है कि उनको भी मौत नहीं आएगी। तो कुरान में आता है सूरह फुरकान में, आज एक मौत नहीं कई मौतें मांगो, मौत नहीं तुम्हें आएगी। हज़ारों मौतें मांगो, मौत नहीं आने की, क्योंकि मौत आ जाए तो फिर तकलीफ़ ख़त्म हो जाए, लेकिन वहाँ पे मौत नहीं आएगी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, आमीन। सही मुस्लिम में एक हदीस है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होने लगेंगे तो उनको एक नदा की जाएगी, जाते ही खुशखबरी मिलेगी, तुम्हारे लिए मुबारक है, आज के बाद तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे, आज के बाद तुम्हें कभी बदहाली नहीं आएगी, तुम हमेशा खुशहाल रहोगे, आज के बाद तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम हमेशा जवान ही रहोगे, और आज के बाद अल्लाह तुमसे कभी नाराज़ नहीं होगा, हमेशा राज़ी रहेगा। यानी दुनिया में तो सबसे बड़ी अहले ईमान के लिए टेंशन ही यही है ना कि मैंने ये किया तो नाराज़ ना हो जाए। जन्नत वो जगह है जहाँ कुछ भी कर लें अल्लाह नाराज़ नहीं होगा। हर वो चीज़ जो दुनिया में भी जुर्म थी वहाँ जाके वो जुर्म नहीं रहेगी। दुनिया में मर्द के लिए सोना पहनना हराम है और जन्नत में सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, रेशम का लिबास पहनाया जाएगा। कुरान पाक में आता है, बुखारी मुस्लिम में दर्जनों अहदीस हैं, जिसे शौक़ हो तो मिशकातुल मसाबी की 3री जिल्द में जन्नत वाला चैप्टर पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जन्नत में अल्लाह ताला ने क्या कुछ रखा है इंसान के लिए। लेकिन ये बात अपनी जगह है, एक हकीकत है कि जन्नत पहुँचना बड़ा मुश्किल है, ये सबसे बड़ा अलमिया है। ये तो बाबों ने आपको एक खुदा का तारुफ करवाया ना कि जन्नत तो अपनी जेब ही है, किताबें ये नहीं बताती, किताबें कुछ और ही बताती। सही मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीज़ों से ढांप रखा है, यानी जन्नत तक पहुंचने के लिए कई नागवार चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा, फिर जन्नत आएगी। और जहन्नम को अल्लाह ताला ने खुशनुमा चीज़ों से ढांप रखा है, यानी हर अट्रैक्टफुल चीज़ दोज़ख की तरफ लेके चली जाएगी। नागवारी तो है ना, यानी रोज़ाना 5 वक्त नमाज पढ़ना दुनियावी तौर पे एक तरद्दुद तो है, सर्दियों में वज़ू करना एक तरद्दुद तो है, गर्मियों के रोज़े रखना एक तरद्दुद तो है, हलाल और हराम का फ़र्क करना एक तरद्दुद तो है, और दूसरी तरफ आप जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी काम करते जाएँ वो सीधा आपको दोज़ख की तरफ ले जाएगा, जो आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे। और जो अल्लाह की मर्ज़ी से करना पड़ता है उसमें तरद्दुद तो है, ज़ाहिर वो नफ्स के ख़िलाफ़ है। तो ये मुस्लिम शरीफ की हदीस कमाल हदीस है कि जन्नत नागवार चीज़ों से ढांपी हुई है और जहन्नम खुशनुमा चीज़ों से। इसकी एक्सप्लेनेशन जामे तिरमिज़ी में, सुनन अबी दाऊद में, सुनन निसाई और इब्ने माजा में है कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा कि जाएँ जन्नत को जाके विज़िट करें कि मैंने कैसी रहने की जगह बनाई है। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जन्नत गए और उसकी खूबसूरती देखी तो अल्लाह ताला ने कहा कि जिब्राईल कैसा पाया जन्नत को? उन्होंने कहा अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो इसमें जाने के लिए जान धड़ की बाजी ना लगा दे, क्या ज़बरदस्त जगह तूने बनाई है। अल्लाह ने फरमाया अच्छा, अल्लाह ताला ने जन्नत को नागवार चीज़ों से ढांप दिया, जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और कहा आप जाके ज़रा जन्नत को देखो। जब वो देख के आया तो उन्होंने कहा तेरी इज्जत की कसम मुझे नहीं लगता कोई बंदा जन्नत में जाने में कामयाब होगा, इतना मुश्किल है। सर ये है किताबों का खुदा, यहाँ कहते हैं नहीं जनाब एक दफ़ा भी पढ़ लिया एक दफ़ा भी पढ़ लिया एक फेरे ही लगेगा। और सूरह फुरकान में अल्लाह फरमाता है कि जहन्नम हमेशा रहने के लिए भी बुरी जगह है और एक लम्हे के लिए रहने के लिए भी बुरी जगह है, आप लाख कहते रहे कि फेरा लगेगा। अच्छा ये फेरा भी इसलिए हम कहते हैं कि हमने कभी इस फेरे को इमेजिन नहीं किया, आपको इधर बैठे बैठे इमेजिन करवा देते हैं। अगर किसी शख्स को ये कहा जाए कि एक फजर की नमाज छोड़ने पे आपको फजर से जोहर तक एक ऐसे कमरे में वक्त गुजारना पड़ेगा जो 10 बाई 10 फिट का होगा, उसमें 100 कोबरा सांप होंगे, 100 बिच्छू होंगे, 100 अजदेहे होंगे, लेकिन सिर्फ फजर से जोहर तक बस। तो कोई इमेजिन भी कर सकता है इसको? वो इन सांपों को तो आप मार भी सकते हैं, तो जहन्नम के सांप के बारे में कोई सोच भी सकता है? क्योंकि हमने इमेजिन नहीं किया होता, इसलिए एक फेरे की बात करते हैं। और ये तो बहुत बड़ी मैंने मिसाल दी है। अगर किसी शख्स को कहा जाए ना कि फजर की नमाज छोड़ने पे फजर से जोर तक आपको सिर्फ एक मोमबत्ती का वो छोटा सा जो फ्लेम होता है ना, उसके ऊपर यूँ हाथ रखना पड़ेगा फजर से जोर तक, सर 10 सेकेंड नहीं को रख सकता। तो ये कहना आसान है फेरे वाली बात। अच्छा, वो जो तिरमिज़ी अबू दाऊद निसाई इब्न माजा की हदीस है ना, उसमें आगे आता है कि फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल से कहा कि जहन्नम जब पैदा की, फरमाया जहन्नम को जाके देखो। जहन्नम देख के आए, उन्होंने कहा अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे नहीं लगता कोई बंदा कोशिश करेगा कि कोई भी ऐसा अमल करे कि दोज़ख में जाके गिरे, ये तो जगह ही ऐसी तूने बना दी है। अल्लाह ताला ने फिर दोज़ख को, जहन्नम को खुशनुमा चीज़ों से जब ढांप दिया ना, जो मुस्लिम शरीफ वाली हदीस है, मैं उसी की एक्सप्लेनेशन आपको दूसरी हदीस से कर रहा हूँ। ये सर किताबों का दीन है, बाबों का नहीं है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब गए वापस आए, कहा अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम, मुझे नहीं लगता कोई बंदा जहन्नम में जाने से बच सकेगा, इतना खुशनुमा तूने बना दिया, ये तो सारे ही जाएंगे जहन्नम में। और सब नज़र भी आ रहा है, नज़र भी आ रहा है, क्या दीनदार क्या बेदीन, क्या मुसलमान क्या काफिर, आपको बगावत देखें उरूज पे नज़र आती है। और जो आपको दीनदार नज़र भी आ रहे हैं, ये भी अल्लाह ने पर्दे रखे हुए हैं। कुछ के पर्दे तो हमारे जैसे लोगों के सामने खुल भी जाते हैं, और हम आपको खोल खोल के बताते हैं, फिर भी नहीं आपका दिमाग खुला, तो आखिरत में तो खुल ही जाना है, ओह ये क्या हुआ। नहीं, बड़ा सेंसिटिव इशू है मेरे भाई। तो ये अल्लाह ताला ने जहन्नम और दोज़ख का जो मामला रखा है, ये अगर ये चीज़ें ना होती तो कोई भी शख्स अल्लाह ताला को रिस्पॉन्स ना करता। मेरा एक यूट्यूब पे क्लिप भी है, खुदा इंसान की ज़रूरत क्यों है। खुदा इंसान की ज़रूरत है ही इसलिए कि इंसान मर जाता है। अगर इंसान ने मरना ना हो और इंसान के ऊपर कोई मुश्किल वक्त ना आना हो, इंसान की ज़रूरत अल्लाह कभी रहता ही नहीं है। ये तकलीफ़ें और मौत, यही तो एक तलवार लटक रही है कि यार मैंने मरना है, किसी को मुंह दिखाना है जाके। आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि अगर आपने मरना ना हो और आपको कभी कोई तकलीफ ना आए, ये दो चीज़ों की गारंटी हो, तो सर नमाज किसने पढ़नी है? तो ये सारी धमकियाँ ख़त्म हो जाएंगी ना फिर दोज़ख की। तकलीफ ना आने का मतलब है कोई कुछ नहीं करेगा, मौत ना आने का मतलब है अपनी ज़िंदगी इंजॉय करेंगे, और तकलीफ ना आने का मतलब है कि फिर आपको कोई ना कोई रिस्क के हवाले से इशू होगा ना और कोई तकलीफ पहुँचेगी। तो ये सर दुनिया में पॉसिबल नहीं, जन्नत में ही है। लेकिन दुनिया में भी ये हो जाए ना तो अल्लाह ताला इंसान की ज़रूरत नहीं रहता। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये मौत का अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला रखा हुआ है। ये जो तलवार लटकाई है वो इसीलिए तो लटकाई है। तो ये सारी चीज़ें ना हो तो इंसान का किबला नहीं दुरुस्त होता। यार घंटों बोला जा सकता है। अगली बड़ी अहम तरीन आयत है, आयत नंबर 26। कुरान हकीम के उसलूब के ऊपर एक काफ़रों ने एतराज़ किया था, और कुछ नहीं, यानी वो कुरान के मिसल कोई सूरत तो नहीं बना के ला सके, लेकिन एक एतराज़ उन्होंने किया था कि अगर ये अल्लाह की किताब है तो अल्लाह तो इतना पढ़ा लिखा है, इतना एजुकेटेड है, इतनी ऊँची हस्ती है, लेकिन कुरान में मिसालें वो बयान करता है, कभी मक्खी की, कभी जो है वो मकड़ी की। सूरतुल अनकबूत में काफरों के ईमान को मकड़ी से तशबीह दी। सूरह अल हज के अंदर कहा कि ये जिनको अल्लाह के सिवा पुकार रहे हैं, ये एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते, और मक्खी से कोई चीज़ छीन के ले जाए ये वापस नहीं ला सकते। तो इतनी बड़ी किताब में इतनी हकीर चीज़ों की मिसालें क्यों हैं? तो इस कुरान का उसलूब कि कुरान मुश्किल किताब नहीं बल्कि इतनी आसान किताब है, आम इंसान के साथ बहस करती है। देख लें आप, इसमें कोई फलसफियाना बातें उस तरीके से नहीं है, मोटी मोटी बातें हैं। तो अगर ये अल्लाह की किताब होती तो बड़ी मुश्किल होनी चाहिए थी, उलमा से पूछ के चलना चाहिए था फिर, तो यही कहते हैं ना। और कुरान कम अज़ कम 4 दफ़ा सूरतुल कमर में कह रहा है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान को हमने नसीहत के लिए आसान कर दिया है, कोई जो नसीहत हासिल करे इससे। तो इतनी मुश्किल किताब होनी चाहिए थी अगर ये अल्लाह की किताब है। तो अल्लाह ताला ने वो मिथ तोड़ी है, इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा। बेशक अल्लाह इस बात से शर्म महसूस नहीं करता कि वो मच्छर की मिसाल दे या इससे भी किसी हकीर चीज़ की। क्यों? अल्लाह का मकसद किसी के ऊपर अपना इल्मी रोब डालना नहीं है, अल्लाह का मकसद बात समझाना है। और बात समझाने वाला शख्स जो होता है ना, वो कभी मुश्किल अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता। लिहाजा आप ये उलमा की जब मुश्किल उर्दू और टर्म सुनते हैं ना, वल्लाह वो इस नीयत से नहीं तकरीर कर रहे होते कि उन्होंने अवाम को दीन समझाना है, वो ये तकरीर कर रहे होते हैं कि मैं इतनी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज बोल सकता हूं। और फिर कहते हैं देखा जी वो जी लामा साहब ने बड़े मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल किए। तो ये लामा साहब ने अल्लाह की सुन्नत में अमल नहीं किया, अल्लाह की इसीलिए तो फिर उलमा को छोड़ गई ना पब्लिक। वो कहते हैं इनके पास हम एक एक घंटा बैठ के सुनते हैं, समझ नहीं आती है। अली भाई के 5 मिनट के क्लिप में इतना कुछ समझ आ जाता है। क्यों आता है? आम फहम बात है। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये आम फहम बात करना ये मुश्किल काम होता है, मुश्किल बातें करना आसान काम होता है। इसलिए आप देखते हैं कितने लायक लोग होते हैं, लेकिन जब उनको आप टीचर बनाते हैं इंतहाई नालायक टीचर साबित होते हैं। क्योंकि टीचिंग जो है एक फ़न है, इसके लिए सिर्फ लायक होना कोई कमाल नहीं है। इसमें कम्युनिकेशन आपको स्किल चाहिए होती है, आप लोगों की सतह पे उतर के बात कर सकते हो। तो ये कैपेबिलिटी मुश्किल कैपेबिलिटी है। आप ये ना समझिएगा जो मुश्किल बातें करता है वो आसान बातें भी कर सकता है। आसान तरीके से बात करना ये ज़्यादा मुश्किल होता है, और मुश्किल तरीके से बात करना ये ज़्यादा आसान होता है। उनकी कॉम्पिटेंसी भी नहीं होती है। तो अल्लाह ताला माता हमारा ये मकसद नहीं है कि हम किसी के ऊपर रोप डालेंगे। ये कहते हैं अल्लाह ने ये मिसाल क्यों बयान की है? अल्लाह इस बात से हया महसूस नहीं करता। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, पस जो लोग बात मान लेते हैं, फ़यअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, तो वो इस चक्कर में नहीं पड़ते कि ये मक्खी की मिसाल क्यों आ गई, ये मच्छर की मिसाल क्यों आ गई, या मैं अपने बारे में करता हूँ, मैं कभी कोई मिसाल कोई फक्की की बात कर दी या टुन्नी की बात कर दी, तो बात समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल के तौर पर भी बात कर दी। तो जो बात मानने वाले हैं, समझने वाले हैं, उन चक्करों में नहीं पड़ते अल्फाजी के ऊपर। वो कहते हैं कि हमारे रब की तरफ से सच बयान हुआ है, बात वजनी है, इस चक्कर में ना पढ़ो कि उसलूब कैसा है उसका। फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू, जबकि जो बात नहीं मानने वाले होते हैं, हर बात में वो बात की खाल उतारने वाले होते हैं, और उनका मकसद बात मानना नहीं होता बल्कि इनकार करने का कोई बहाना तलाश करना होता है। फ़यक़ूलूना, तो वो कहते हैं माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह को ये मिसाल बयान करके क्या मिला है, क्या इरादा था अल्लाह का, ये बातें करने की क्या ज़रूरत है, को मुश्किल बातें होनी चाहिए थी। तो अब चूँकि ये उन्होंने एतराज़ किया है गैर इल्मी जज्बाती डॉक्ट्रिन के साथ, लिहाजा इसका जवाब भी उसी एतबार से पहले तो दिया जा रहा है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह का मकसद ये है कि ताकि इस मिसाल के ज़रिए बहुत से लोगों को गुमराह कर दे और बहुत से लोगों को हदायत दे। मुराद ये नहीं है कि कुरान किताबें गुमराही है, वो तो आया है कुरान में हुदल्लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, ये पूरी इंसानियत के लिए हदायत है, हदायत की रोशन दलाइल हैं, इसमें हक और बातिल में तमीज़ करने वाली किताब है। इस किताब का मकसद किसी को गुमराह करना नहीं है, मकसद ये कि ये अल्टीमेटली तुम्हारी गुमराही का सबब इस एतबार से बन जाएगी कि तुम इसको मान कर हदायत पे आ जाओगे और ना मान के गुमराह हो जाओगे। जिसने शैतान ने कहा था कि अल्लाह इस आदम की वजह से तूने मुझे गुमराह किया है, हालांकि आदम की वजह से नहीं हुआ था, वो हुआ खुद ही था, लेकिन उसने ये कहा कि ना आदम पैदा होता तो ना मेरे इम्तिहान आता तो ना इसरा होता। तो इनडायरेक्टली ये बात इधर भी अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला ने इसलिए किया है कि तुम, ताकि जो मानने वाले हैं उनका ईमान में इजाफा हो जाएगा, जो ना मानने वाले हैं गुमराह हो जाएंगे, और जो मानने वाले हैं उनको हदायत मिल जाएगी। इसका ये मतलब कतन नहीं है कि कुरान पढ़ के किसी को गुमराही मिलती है, नाऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये अकीदा कुफर है। मेरा यूट्यूब पे एक क्लिप भी है, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के दो कुफरिया उलमा के दो कुफरिया अकीदे। एक कुफरिया अकीदा यही है उसमें से कि जी कुरान जो है ये गुमराह कर देता है। ये अक्सर आप सुनते हैं ना, कुरान गुमराह कर देता है। डायरेक्ट पढ़ने से इंसान, अच्छा इनडायरेक्ट पढ़ने से भी गुमराही होता है। इनडायरेक्ट किधर पढ़ने देते हैं, वो कहते हैं पढ़ना ही नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो अंग्रेजी वाले रह गए। इनडायरेक्ट ना उन्होंने खुद पढ़ा हुआ होता है और ना किसी को पढ़ने देते हैं। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और इससे गुमराह तो नहीं होते हैं मगर वो लोग जो नाफरमान हैं, नाफरमानी की रविश इख्तियार किए हुए लोग हैं, जो जानबूझ के गुमराह होना चाहते हैं, वो उनके लिए कुरान में फिर गुमराही है। क्योंकि जब वो चाह ही रहे हैं कि हमने कुरान पाक में निकालनी है इस किस्म की बातें जिससे हम कुरान से दूर भागें, तो ज़ाहिर है फिर कुरान पर उन्हें अमल कहाँ से करना है। हत्ता कि उलमा यहूद के बारे में सूरह अल-जुमुआ में आया कि इनकी मिसाल उन गधों की सी है, जैसे गधे के ऊपर किताबें लाद दी जाए ना, उस किताब से वो इक्तसाब नहीं कर सकता। लिहाजा उलमा यहूद के पास प्रोफेसीज़ मौजूद थी उनकी किताबों में कि नबी आखिरुज़्ज़मा आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उन किताबों से उन्होंने इक्तसाब नहीं किया तो बर्बाद हो गए। तो जो किताबों से इक्तसाब करे उसके लिए बातें नहीं कि वो गुमराह होगा। जो किताब होने के बावजूद उसमें अमल ना करे या शोकेस में बस सजा के रखे, पढ़ी हों किताबें, पढ़ी हुई ना हो, वो गुमराह होते हैं। इसी तो हम कहते हैं किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और। जो किताबों के खुदा को नहीं मानता ना, उसे कभी भी खुदा का तारुफ नहीं होता, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बाबे नहीं दी हैं, किताबें दी हैं। आज की डेट में कुरान और सुन्नत किताबी शक्ल में ही हमारे पास मौजूद है ना। इसके ऊपर काफ़ी और बातें मुझे करनी है, लेकिन अब चूँकि टाइम ख़त्म हो चुका है, अगली दफ़ा हम इसी आयत की जो आगे उन फासिकों की निशानियाँ क्या हैं जो कुरान के ज़रिए जो गुमराही कमाते हैं, आयत नंबर 27 सूरतुल बकरा की ऑनवर्ड इंशाल्लाह अगली दफ़ा स्टार्ट करेंगे। सलात बर मोहम्मद वाली मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से ही उसे दूर कर दे, हमें मुआफ़ भी कर दे, हमें किताब व सुन्नत की तालीमात पर अमल करके दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।